नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, समांतर श्रेणी, उसमें 5.2 तक पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज आपको 5.3 पढ़ाना है। तो देखिए, अब 5.3 जो एक्सरसाइज है ये योग पर आधारित है। अब तक हमने टी एन का फार्मूला सीखा है शुरू से अंत से, एन का फार्मूला एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ये सारा। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एस एन पर आधारित होगा। तो एस एन बराबर दो फार्मूले आपको बताए गए हैं, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी का निगमन करके मैं आपको एस एन का सूत्र एक और बताया था, एन बाई टू और ए प्लस एल। ये सब पिछले के वीडियोज़ में पढ़े होंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। ये सब निगमन करके दिखा दिया गया है और आज हम केवल सवाल सवाल लगाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। पहला नंबर लिखा हुआ है, पहले का पहला, 2, 7, 12, और कब तक? तो 10 पदों तक। 10 पदों तक क्या बताना है इसका? योग आपको बताना है। तो ए का मान कितना है? 2। डी का मान, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। और एन का मान कितना दिया है? 10। तो आप फार्मूला लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे यदि हम लोग लिखें, देखिए कहीं यल दिख रहा है? नहीं है इस वाले में, कहीं यल नहीं है। तो आप ये फार्मूला, जब यल पता होगा तब नीचे वाला। तो यहाँ से एस 10 हो जाएगा और यहाँ 10/2, एन की जगह 10 है तो 10 रखे हैं। और ए का मान 2 है तो 2 दुनी 4 गुणा होना है, तो 2 दुनी 4 और 10 में से 1 घटा देंगे तो 9। और डी का मान कितना? 5। तो ये हो गया, इससे ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये 5 और यहाँ पे वो 4 और 9 5 45, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 49, तो 5 9 45 हासिल 4 और 20 4 24। तो देखिए, बिल्कुल भी इत्मीनान से आप लगाएंगे तो भी बन जाएगा। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ए डी और एन दिया हुआ है, ए का मान 2, 7 में से 2 घटाइए या 12 में से 7 घटाइए तो 5 ही आना है। और एन का मान 10 दे दिया है। एस एन बराबर क्या होगा? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 10, तो 10 यहाँ 10 यहाँ। और देखो, ए का मान 2 है तो 2 दुनी 4, देखो 2 है ना, तो 2 दुनी 4। एन का मान 10 है, 10 में से 1 घटाएं तो 9 हो गया। डी का मान 5, 9 5 45 और 4 49, वही लिखा गया है। और 49 से इसका गुणा कर दिए, 5 9 45 हासिल 4 और 20 4 24। नोट करें आप इसको एक बार, और कापी पेन ले के साथ में बैठिए आप लोग भी और नोट करते चलिए। चलिए अब अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है। ये लिखा है -37 -33 -29, और ये कब तक? तो 12 पदों तक ये दिया हुआ है। तो ए का मान कितना है? तो पहला वाला -37। डी का मान क्या है? तो इसको लिखेंगे -33 और माइनस ला के इसको लिखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 37। अब घटा देंगे 37 से 37, तो 4 हो जाएगा, बड़ा नंबर प्लस। और यन का मान दिया हुआ है 12, ये दिया है। तो चूंकि एस एन बराबर क्या होता है? तो एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना होता है। इसको समझिए आराम से, कहीं से कुछ चेंज नहीं है। जैसा वो सवाल था ये भी वैसा ही है। इस वाले से हमें बताएं यदि, तो यन का मान कितना रखना है? 12, तो यस 12 हो जाएगा, 12/2। और यहाँ पे ए का मान कितना? 37, तो 2 में इसका गुणा करना है तो 2 7 14, 3 2 6 और 1 7, -74। अब 12 में 1 घटाना है, एन का मान 12 है, 12 में 1 घटाएंगे तो कितना? 11 हो जाएगा। और डी का मान 4, तो ये हो गया। तो यहाँ से ये 6 बार में कट गया, तो ये 6 और ये -74 और 11 6 44, ये बन गया। तो यहाँ एस 12, तो एस 12 बराबर 6 और गुण, देखो यहाँ 4 से 4 घटा 0, 7 से घटा 3 और माइनस, तो एस 12 का मतलब 6 3 18 माइनस का 180, तो ये हो जाएगा 180। आराम से एकदम, आपको सबसे पहले ए डी और यन, फिर फार्मूला, फिर मान, कैलकुलेशन करिएगा। गणती कैलकुलेशन है, आराम से बनाइएगा। अब देखिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका, पहले का तीसरा क्वेश्चन ये दिया है, 0.6 1.7 2.8, और ये कब तक? तो 100 पदों तक।
ये हो गया। ए का मान ये वाला 0.6, डी का मान तो इसमें से इसको घटा देंगे 1.7 माइनस 0.6। देखो ये 7 से 6 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 से 0 तो 1 ही रहेगा, तो 1.1 हो गया। और यन का जो मान है वो 100 है, तो यहाँ से एस एन बराबर यन बाई टू टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। इस वाले से यदि हम लोग बताएं तो एस यन का मान कितना है 100, और यहाँ पे 100/2 और 2a, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 6 × 12 1.2 हो जाएगा, और प्लस 100 में 1 घटा देंगे तो 99, और d का मान कितना ये वाला 1.1। तो ये देखो 50 बार में कट गया, ये बाबू 50 और यहाँ पे 1.2 और 1 11 99, 11 99 में 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18 और 9 1 10 108 हो गया। ये कम का दशमलव है, मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 50 अगुणे इसे 9 और 2 11, हाँ सी ले 8 और 1 9 और ये 10, तो यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देना है, आप गुणा कर दीजिएगा और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुणा कर लीजिएगा और आ जाएगा इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, चौथा नंबर 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए का मान 1/15, डी का मान 1/12 में से घटा देंगे, 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से तो 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60 ये बन गया। तो यहाँ घटाएंगे तो 1/60, देखो पहले भाग देते हैं जो आज है उससे गुणा करते हैं, तो इसे भाग दिए हैं 5 बार गया, 5 एकम में 5 का 1 से गुणा तो ये 5 ही आया, 15 से 4 का तो 4 एकम में 4, तो इससे घटा दिए तो 1/60। अब यहाँ से यन का मान आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में 11, तो वही फार्मूला एस एन बराबर यन बाई टू टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। इससे यदि हम लोग बोलें तो यस 11 हो जाएगा, 11/2 और यहाँ पर 2a, तो a का मान 1/15, 2 में इसका गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए इसे 2 का गुणा होता है तो 2 एकम में 2, तो 2/15 हो जाएगा 2/15, और 11 में 1 घटाना है तो ये 10 हो जाएगा, और d का मान ये 1/60 ये बन गया। तो आप देखिए s 11 बराबर 11/2, यहाँ LCM ले लेंगे 15 और 60 का तो 60 हो जाएगा, 15 × 60 चार बार जा रहा है तो 4 × 2 = 8, ऊपर वाले में गुणा हो जाता है, 60 एकम में 60 एक बार तो 10 एकम में 10, तो ये बन गया। तो यहाँ से बच्चा एस 11 का जो मान है 11/2 और यहाँ पे 18 और 2/60, तो यहाँ से 2 से 9 बार में कट गया, 3 से 3 बार और 3 से 20 बार में, तो ये आ गया एस 11 का जो मान 11 × 33 और 2/20, और यही सवाल का उत्तर है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में।